अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तरबूज का जूस बनाने की रेसिपी। तरबूज तो हम सभी बहुत शौक से खाते हैं, अगर हम इसका जूस बनाएं तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, हमें ठंडक पहुंचाता है, ताजगी पहुंचाता है और तरबूज का जूस हमारे मेदे जिगर की गर्मी को भी ख़त्म करता है। तरबूज का जूस बनाने के लिए यहाँ मैंने एक तरबूज लिया है, 3 किलो का ये तरबूज है, और यहाँ मैंने पुदीना लिया है। पुदीने के इस तरह से मैंने पत्ते बना लिए, ये इस तरह से डंडियाँ इसकी काट दी और पुदीने के पत्ते लिए हैं, और एक अदद मैंने लीमू लिया है। साल्ट डालेंगे और यहाँ मैंने लिया है शुगर सिरप, 1/2 कप मैंने शुगर सिरप लिया है, और हम हसबे जायका इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और उसके साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम तरबूज को धो लेंगे, और धोने के बाद हम इसको काटेंगे। तो तरबूज यहाँ मैंने धो लिया है और इसको अब मैं काटूंगी इस तरह से, दरमियान से मैं एक टक लगाऊंगी, ये देखें। इस तरह से हम खोलेंगे तो ये है येलो तरबूज। तो ये मेरे पास है येलो तरबूज। तो चलिए अब हम इसका जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, तरबूज के पहले हम इस तरह से ये पतलियाँ काट लेंगे, इसके स्लाइस पतले पतले पहले इसके हम इस तरह से स्लाइस काट लेते हैं, और मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ तरबूज जो है वो मीठा है कैसा है, ये भी अभी हम देख लेते हैं। तो ये देखें, हम इस तरह से इसके पहले स्लाइस काट लेंगे। तो मैं 1/2 तरबूज में 2 गिलास प्रेफर करूँगी, अगर आप 3 किलो का तरबूज लें तो 1/2 तरबूज में 2 गिलास बनाएं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखें, इस तरह से हम कतलियाँ काट लेंगे तरबूज की। तो कतलियाँ काटने के बाद ये देखें, इस तरह से हम इसके पीसेस काट लेंगे, जितने के जार में इजीली आ सके और हम इसको ब्लेंड कर सकें। तो हम इसका येलो पार्ट ऐड करेंगे, इसका वाइट पार्ट ऐड नहीं करेंगे। ये देखें, तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीठा है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर इसमें शुगर सिरप ऐड करें। रेड तरबूज, येलो तरबूज की रेसिपी सेम ही है, आप इसी तरह बना सकते हैं। रेड तरबूज बनाएं तो उसको भी, उसका जूस भी बनाएं तो ऐसे ही बनाएं। शुगर सिरप आपने ऐड करना है, ऐड करें पुदीना लीमू तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेड तरबूज होता है, उसी तरह वैसे ही मीठा है ये, बस कलर चेंज है, ये येलो है और रेड जैसा ही इसका फ्लेवर है। तो ये देखें, सारा तरबूज हम इसी तरह काट लेंगे। तो ये देखिए, अगर आपने ग्लास को गार्निश करना है तो आप 1-2 स्लाइस निकाल लें गार्निश करने के लिए। तो इस तरह से हम सारे काट लेंगे, तो गार्निश करने के लिए स्लाइस हम निकाल लेंगे। तो जितने ग्लास आपने रेडी करने हैं उतने स्लाइस आप निकाल लें। तो तरबूज यहाँ कट के सभी रेडी है, 2 स्लाइस मैंने निकाल लिए हैं, जिस शेप में आप गार्निश करना चाहें तो मैंने इस शेप में निकाले हैं 2 पीसेस गार्निश, ग्लास को गार्निश करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ब्लेंडर ले लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे ये तरबूज के सभी स्लाइस हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करूंगी पुदीना भी, और कुछ थोड़ा सा पुदीना हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। ये देखें, 4 टेबलस्पून यहाँ मैंने पुदीना लिया है और थोड़ा सा पुदीना मैंने गार्निश के लिए बचा लिया। तो अब ये बाकी का तरबूज भी इसमें ऐड करते हैं। इस तरह से मैं सारा तरबूज इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें,
तो ये हाफ कप जो है मैं इसमें शुगर सिरप ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। अब हम ब्लेंड करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ब्लेंड करने के बाद अब हम इसको एक छान की मदद से छान लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हम जो उसको छान लेंगे एक छान की मदद से। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे गिलास में लेमन स्लाइस, एक दो जितनी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम ऐड करेंगे। तो लेमन मिंटू के पुदीने के पत्ते भी ऐड कर देते हैं, कारण बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। गाइस आप जितनी पसंद करते हैं वो ऐड करें। ये देखिए, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जूस, येलो तरबूज का जूस पुदीने के साथ। देखें कैसा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया बना है, हमारे मेदे जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हाफ तरबूज में देखें 2 गिलास बने, फिर भी 1 गिलास के करीब है इसके अंदर। अभी गार्निश के लिए मैं इसमें ये स्लाइस लगाऊंगी। थोड़ा सा हम यहाँ से पहले एक टक लगाएंगे इस तरह से, ये देखें, और इस तरह से फिर गिलास में लगाएंगे, ये देखें। तो दूसरे गिलास में भी हम इसी तरह लगाएंगे, एक साइड पे एक छोटा सा टक लगाएंगे, ये देखें। तो पुदीने के गार्निश के लिए साइड पे लीव्स रखेंगे। तो जो हमने हाफ तरबूज बचा लिया था उसके हम इस तरह स्लाइस करके प्लेट में साथ रखेंगे। स्ट्रॉ लगाएंगे इसके अंदर अपनी मनपसंद के। तो येलो तरबूज का ज़बरदस्त जूस हमारा रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।